आपका क्वेश्चन है इवेलुएट टैन 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्रीज। ठीक है, तो हमको मैंने आपको जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में कि कैसे होगा ये। तो टैन 65 जस्ट हम लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, कॉट 25 को भी ले सकते हैं, हम इसको लेते हैं टैन 65 को। तो हमारा क्या है टैन 65 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस में लिखना है इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 माइनस 25 इज 65 सेम, दैट इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था टैन का पेयरिंग किसके साथ होता है कॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्रीज, कॉट 25 डिग्रीज। ठीक है, तो अब वैल्यू आप पुट करोगे इसके अंदर तो आपका क्या हो जाएगा कॉट 25 डिग्रीज बाई कॉट 25 डिग्रीज। ठीक है, एक ही टर्म्स में लेकर आ गए हम कॉट एंड कॉट, चेंज नहीं करना है दूसरे वाले को, एक ही को चेंज करना है और कोशिश करना है कि एक ही टर्म्स में आ जाए। अगर साइन में है तो साइन में, कॉस में है तो कॉस में, टैन है तो टैन के अंदर, कॉट है तो कॉट के अंदर, सेक है तो सेक में, कोसेक है तो कोसेक में, ओनली इन वन टर्म। एक टर्म में अगर आप लेकर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री, ये आपका कट हो गया 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन है इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्रीज वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है सपोज 3a को हम ले लेते हैं वन एंगल, कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आएगा, तो सपोज हमने 3a को ले लिया एक एंगल, सपोज 30 डिग्री ले लिया हमने, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं यहां पर साइन 3a इज इक्वल टू साइन 30। और साइन 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्रीज, कॉस 60 डिग्रीज। ठीक है, लिखते हैं हम लोग इस तरह से कुछ। अब यहां पर इसने दे रखा है कॉस a माइनस 26 डिग्रीज और यहां दे रखा है साइन 3a, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। आपका 3a की जगह पे हमने ले लिया 30 डिग्रीज, तो आपका क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस में आपको करना है साइन 30 आना है। तो अगर कॉस 60 डिग्री है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, लिखते हैं हम लोग ऐसे। अब मैंने 30 और 3a को इंटरचेंज कर दिया, आई हैव इंटरचेंज। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू इसकी डालेंगे। ये दो चीज आपको समझ आई कैसे कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, अब मैंने यहां पर इंटरचेंज कर दिया, 30 की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू डाल दी 3a, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस 3a दैट इज इक्वल टू साइन 3a। ठीक है, यही यहां पर दिया हुआ है, तो अब हम साइन 3a की जगह पे डालेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, तो हमारा गिवन में क्या है, गिवन में है साइन 3a। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है कि आपको ऐसे करना है। गिवन में आपका क्या दे रखा है, गिवन में आपका दे रखा है साइन 3a
is equal to cos a minus 26 degrees. ठीक है, अब sin 3a is equal to cos 90 minus 3a. तो यहां पर हम लोग लिख देंगे cos 90 degree minus 3a is equal to कितना cos same a minus 26 degrees. ठीक है, फिर इसमें दिया है it's an acute angle. Acute angle means less than 90 degrees. तो आपका यहां पर cos है, यहां भी cos है, आपकी वैल्यू क्या बची वो हम लिख देते हैं. अब आपकी वैल्यू बची 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्रीज. ठीक है, हो गया. a को इस साइड में लेकर आते हैं, एंगल को इस साइड में लेकर आते हैं, देखते हैं क्या आता है. हमारा आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a. a प्लस 3a, तो a प्लस 3a कितना होता है 4a. कितना होता है 4a इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो आपका क्या आएगा 6 एंड 1 16. कितना आ गया 116 डिग्रीज. तो a हमारा कितना हो गया 116 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 4. तो अब 4 से डिवाइड करो, आप कितना आ रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 2 से कर लो. पहले 2 से हमने किया तो ये आ गया हमारा 5 एंड 8. फिर से 2 से किया हमारा आ गया 2 एंड 9. तो ये हमारा कितना हो गया 29 डिग्रीज. इट्स योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज. ठीक है, अब इसने क्या कहा कि ये जो टर्म्स है इस टर्म्स को आपको चेंज करना है इन बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज. 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज. इसने ये नहीं कहा कि इन बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, तो आपका यही है, एकदम सही है. लेकिन आपको चेंज करना है 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज में. 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज में यहां 85 लिखा है. क्या लिखा है 85. तो व्हाट इज cot 85? तो cot 85 क्या होता है हमारा, 85 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज. दैट इज इक्वल टू tan 5 डिग्रीज. tan 5 डिग्रीज. अब ये क्या है, 0 और 45 के बीच में है 5 डिग्री, एकदम सही है. नेक्स्ट cos 75 डिग्री क्या होता है हमारा, cos 75 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 75. तो ये क्या हो गया, अब साइन 15 डिग्रीज, 5 डिग्री एंड 15 डिग्री ये दोनों के बीच में आ गया. तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी, नई वैल्यू जो निकल के आई वो आपकी हो जाएगी cot 85 की जगह पे tan 5 degrees. बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, cos 75 की जगह पे क्या आ जाएगा sin 15. ठीक है, ये आपका लाई कर रहा है 0 एंड 45 डिग्रीज में, 5 एंड 15 आर इन बिटवीन 0 एंड 45. ठीक है,